हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपसे थोड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें करने के लिए आपके साथ हूँ। फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर कुछ टिप्स बताइए, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू टू एम्पावर माय कम्युनिकेशन, व्हाट शुड आई डू टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दिस ऑल हैव बीन द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज मैं आपको थोड़ी टिप्स देता हूँ कि आप कैसे अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हाउ टू एस्टैब्लिश अ गुड कम्युनिकेशन, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट। जनरली आई वुड से फर्स्ट, डू नॉट थिंक एनीथिंग, स्पीक एज मच एज पॉसिबल। कुछ सोचो मत, जितना हो सके बोलो, मे बी राइट रॉन्ग वट एवर, डू नॉट थिंक अ लॉट कि यार मेरा गलत हो रहा है या ग्रामेटिकली मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ। डू नॉट थिंक ओवर, जस्ट ट्राई टू कन्वे योर मैसेज। मतलब कम्युनिकेटिव इंग्लिश का क्या पर्पज है ये देखो, आई हैव टू कन्वे माई मैसेज वट आई रियली मीन टू से। अगर मैं अपने मैसेज को कन्वे कर ले रहा हूँ ना, इस्टेब्लिश कर लिया मैंने मैसेज को, डज मीन आई एम गुड एट दैट, राइट। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो जितना भी हो सके आप बोलो इंग्लिश, डू नॉट थिंक ओवर ग्रामेटिकल एंड वोकैबुलरी पैटर्न्स एंड ऑल, इतना सोचो मत। जो भी आता है जहन में आपके, जो भी दिमाग में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, प्रैक्टिस करो। मीन्स एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हो तो आपको 20 to 30 minutes प्रैक्टिस डेली करना चाहिए, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू मेक प्रैक्टिस 20 to 30 minutes एवरी डे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं प्रैक्टिस करूँ। अब एक प्रॉब्लम आती है, किससे करूँ, दोस्तों से करो, फैमिली में कर सकते हो, कोई नहीं मिले तो अकेले करो, राइट। बट करो, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरा, ज्वाइन इन ए ग्रुप दैट टॉक इन इंग्लिश, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग इंग्लिश से बातें करते हैं उनको, उनके साथ आप ज्वाइन करिए। फाइंड ए टीचर हु कैन ट्रेन यू फॉर कम्युनिकेशन, आप टीचर के पास जरूर जाएं जो आपको कम्युनिकेशन के लिए ट्रेन कर सकता है, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ बीन ओनली द वे टू टॉक इन इंग्लिश, बोलने से ही बोलना आएगा। तो आप ये जरूर कर लेंगे, बोलें और फाइंड समवेयर वेर यू कैन टॉक इन इंग्लिश, वेर यू कैन फाइंड समबडी यू कैन टॉक इन इंग्लिश, जहाँ पे कोई फ्रेंड्स मिल जाए और जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्राई टू लिसन टू इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके सुनो इंग्लिश। न्यूज़ आप सुन सकते हो डेली, यू हैव टू लिसन टू न्यूज़, जितना भी आपसे न्यूज़ हो सके आप जरूर सुनिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And it changes your life. If I have been listening to news, I'm very sure कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो आप न्यूज़ सुने, ऑडियो सुने, बहुत सारा YouTube पे आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल मुझसे अलग से बात कर सकते हैं, फॉर दैट आई वुड रियली सजेस्ट यू। तो कॉन्टेंट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि अगर आप 1 to 1.5 months सुन लेते हैं ना, 40 to 45 days, तो आपको काफ़ी आइडियाज़ हो जाता है कि मैं ये बात कैसे कहूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग इंग्लिश इसलिए भी नहीं बोल पाते हैं कि उनको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होने के साथ साथ जो ये भी समस्या होती है कि उनका आइडिया नहीं। तो यू माइट बी लैकिंग आइडिया, तो आपके पास आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव आइडियाज़ टू टॉक इन इंग्लिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंग्लिश बुक्स पढ़ें और इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ें, रीड इंग्लिश बुक्स एंड आर्टिकल्स, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हैं तो आप द हिंदू का एडिटोरियल भी पढ़ सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू। उससे बहुत अमेजिंग चेंजेस आते हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत भी मुश्किल होते हैं। एंड डोंट ट्राई टू फील सॉरी ना कि वेन यू मेक मिस्टेक्स, जब आपसे गलती जाती तो बहुत सॉरी, बहुत गिल्टी, बहुत एम्बैरस फील करते हैं। You don't need to feel like this. It's very common कि यार लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती ही आती है, तो आप बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस नहीं करिए कि यार बहुत समस्या होगी, ये तो गलती होगी मुझसे। It's very common thing in communication. आप इंग्लिश बोलिए और गलती करते हैं तो आप एक्सेप्ट करिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको ठीक करिए। उसके लिए एम्बैरस या डिप्रेस प्लीज़ मत होइए, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गलत इंग्लिश बोलना इज बीन जस्ट पार्ट ऑफ ए गेम,
राइट मतलब अगर एक गल लाइन गलत होगी मीन्स वॉट इट्स ओके यार गलती होती कॉमन है इज दैट क्लियर और देखिए आई वुड से टू थिंग्स यू डोंट ट्राई टू बी लाइक एन इंग्लिश मैन यू आर नॉट एक्चुअली सो डोंट ट्राई टू बी एन इंग्लिश मैन आपको ट्राई नहीं करना है कि आप बिल्कुल अंग्रेजों जैसा ही बोले हाँ बट ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें इम्प्रूव कीजिए एक आपका प्रोनाउंसिएशन और एक बॉडी लैंग्वेज When I'm talking to people, then I must be looking into them. I must be looking at them. Is it clear? And I should use my gestures, my eyes, my body language. It's very important. इससे जो आपका communication जो भी है ना बहुत improved आता है तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी छोटी सी tips कैसे लगी Keep on working, keep on speaking English. बहुत सारी नई classes लेके मैं आपके लिए आने वाला हूँ Thank you very much for today. और जो बहुत मन से आप सुन रहे हैं ना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अच्छा लगे ना प्लीज़ शेयर इट थैंक यू वेरी मच टेक केयर